दुर्घटनाओं की रोकथाम, गृह सज्जा, विद्युत संबंधी सुरक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं से बालको कर्मचारियों और अधिकारियों को परिचित कराने के लिए बालको प्रबंधन ने सेफ्टी स्टीवर्ड का आयोजन किया। इस कार्यशाला में दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के आकलन, यांत्रिकी और मानवीय विधियों से विभिन्न सामग्रियों के सुरक्षित रखरखाव और उपयोग की जानकारी दी गई। सेफ्टी स्टीवर्ड पर बीएलसी में आयोजित कार्यशाला का संचालन चेन्नई के पीक्यूएस सर्विसेज एंड जीआर के एसोसिएट के विशेषज्ञों श्री आर वेंकटेशन और श्री जी आर कृष्णमूर्ति ने किया। दो दिवसीय कार्यशाला में श्री वेंकटेशन और श्री कृष्णमूर्ति ने प्रतिभागियों को सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, वीडियो फिल्म और केस स्टडी के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में स्वयं और मशीनों की रक्षा करने के तरीकों की जानकारी दी। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना भी सिखाया गया। इससे बालको के विभिन्न इकाइयों के 22 अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन पोर्टरूम उपाध्यक्ष श्री डीके सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि एल्युमिनियम निर्माण अत्यंत जटिल उद्योगों में से एक है, जहां प्रत्येक कदम पर कड़ी सुरक्षा और दोष रहित कार्यशैली की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला दुर्घटना की आशंकाओं को शून्य बनाने के उद्देश्य से आयोजित है। But yes, there are clients who are achieving it year and year. And I remember one report sent by Mr. Sivakumar that was from DuPont Safety. And DuPont Safety is considered to be one of the best in the world. So I am very happy that our safety people and our plant people are chosen to follow such a good example of DuPont for our safety guidelines. बालको के औद्योगिक सुरक्षा अधिकारी श्री बी शिव कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन संयंत्र की सुरक्षा के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों की विस्तार से जानकारी दी।